सीट से गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर के समर्थन में उनकी पत्नी बबीता लाठर ने जनसंपर्क किया व वोट मांगे। विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वहीं प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। माट विधानसभा सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर की पत्नी बबीता लाठर ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान इन्होंने कुमा बहन और स्वरूपा क्षेत्र में जाकर घर घर जनसंपर्क कर लोगों से मुलाकात की और विकास के नाम पर वोट मांगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान आरएलडी सपा गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर की पत्नी के साथ दर्जनों की संख्या में सपा आरएलडी कार्यकर्तागण मौजूद रहे और सभी वरिष्ठ नेताओं को जगह जगह माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर की पत्नी ने कहा कि अब की बार गठबंधन की सरकार आ रही है और सभी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएंगे। उनकी सरकार आने पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। जो आदमी आवास पे आते मिलने वाले उनसे मिलते हैं, फिर प्रचार के लिए निकल जाते हैं। एक दिन में कितने ग्रामों में दौरा कर लेती हो? हम 8-10 गांव निकाल देते हैं, जैसे समय शेष रह जाता है 7-8 बजे तक हम लगे रहते हैं। जब संपर्क दौड़ जाते हैं, हर एक आदमी से मिलने का प्रयास करते हैं, निवेदन करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी और रालोद को जो मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो उनको हर समस्या का निदान किया जाएगा। बोला आप क्षेत्र में घूम रही हैं, आपको कौन कौन सी समस्याएं दिखती हैं यहाँ की? समस्या ही समस्या है। कौन कौन सी? सड़क की मुख्य समस्या है, पानी की समस्या है। पानी 35 साल से आज तक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया और इसका जिम्मेदार कौन है? सेंटर की और प्रदेश की गवर्नमेंट है। और 35 साल से जो कुंडली लगाए हुए बैठे हैं माठ क्षेत्र की जनता के ऊपर, यहाँ के विधायक आगे किया। सारा श्रेय जो जनता त्रस्त है वो माननीय विधायक जी की जिम्मेवारी है उनकी समस्याओं को निदान करने की, लेकिन समस्याएं सुलझाने की बजाय वो जनता को परेशान करते हैं, आपस में भाई को भाई से लड़ाते हैं, फिर उनका समझौता करवाते हैं, भेदभाव करते हैं, ये सभी कार्य करते हैं, लेकिन समस्या क्षेत्र के विकास की तरफ उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आपकी सबसे पहले कौन कौन सी मुख्य समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास हुए? जो क्षेत्र की जनता, हम डोर टू डोर गाँव जाके देख रहे हैं, जितने भी काम किए गए हैं क्षेत्र में वो लाठर जी ने समाजवादी सरकार होते हुए पूरे किए। यहाँ की जनता ने, हालांकि उस समय 2012 में हार का सामना करना पड़ा था लाठर जी को, उसके बावजूद भी समाजवादी सरकार से जितनी भी सहायता हो सकी उन्होंने मदद की, चाहे बिजली के लिए काम किया है, पानी के लिए भी, और सड़क। आज जहाँ भी आप जाएंगे लाठर जी ने अपनी पूरी निधि माठ क्षेत्र में लगाई है, कोई कमीशन नहीं लिया है। और ये इसका कारण क्या है? क्योंकि विधायक जी जो श्याम सुंदर जी हैं कमीशन लेके काम करते हैं, यही है। आज हम हर एक कार्यकर्ता को जूते निकाल के पानी से गुजरना पड़ता है और गांव की जनता बहुत परेशान है। आप देख ही रहे हैं गांव-गांव, अगर आप घूमे होंगे तो आपको भी पता चला होगा जनता में भारी आक्रोश है। श्याम सुंदर जी के यहाँ के और भी पिताजी कह रहे हैं कि ये तो बाहर का कैंडिडेट है, अगर जीत आएगा फिर नए न्याय क्या कहेंगे? जो यहाँ की जनता ने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उसी की बदौलत हम यहाँ पर बने हुए हैं और उन्हीं की सम्मान की वजह से, जनता की प्यार की वजह से ही हम भारी बहुमत से रालोद और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजय लाठर जी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपकी मुख्य टक्कर कौन सी है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों जीतेगी आप बीजेपी? कोई नहीं है टक्कर में।